मरुस्थल की बेटी। क्या तुम्हें याद है बीकानेर की काली पीली आंधियां? उजले सुनहले दिन पर छाने लगती थी पीली गर्द और देखते ही देखते स्याह हो जाता था आसमान। लोग घबरा कर बंद कर लेते थे दरवाजे खिड़कियां, भाग भाग कर संभालते थे अहाते में छूटा सामान। इतनी दौड़ भाग के बाद भी कुछ तो छूट ही जाता था, जिसे अंधड़ के बीच जाने के बाद अक्सर खोजते रहते थे हम कई दिनों तक। कई बार इस तरह खोया सामान मिलता था पड़ोसी के अहाते में, कभी सड़क के उस पार फंसा मिलता था किसी झाड़ी में, और कुछ बहुत प्यारी चीजें खो जाती थी हमेशा के लिए। मुझे उन आंधियों से डर नहीं लगता था। उन झुलसा देने वाले दिनों में आंधी के साथ आने वाले हवा के ठंडे झोंके बहुत सुहाते थे। मैं अक्सर चुपके से खुला छोड़ देती थी खिड़की के पल्ले को और उससे मुंह लगाकर बैठी रहती थी आंधी के बीच जाने तक। अक्सर घर के उस हिस्से में सबसे मोटी होती थी धूल की परत, मैं बुहारती उसे, अक्सर सहती थी माँ की नाराजगी, लेकिन मुझे ऐसा ही करना अच्छा लगता था। बीते इन बरसों में कितने ही ऐसे झंझावात गुजरे, मैं बैठी रही इसी तरह खिड़की के पल्लों को खुला छोड़ ठंडी हवा के मोह में बंधी। अब जबकि बीत गई है आंधी, बुहार रही हूँ घर को, समेट रही हूँ बिखरा सामान, खोज रही हूँ खो गई कुछ बेहद प्यारी चीजों को, यदि तुम्हें भी मिले कोई मेरा प्यारा सामान तो बताना जरूर। मैं मरुस्थल की बेटी हूँ, मुझे आंधियों से प्यार है। मैं अगली बार भी बैठी रहूंगी इसी तरह ठंडी हवा की आस में।